तो दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका एक फिफ्थ पार्ट है, इसमें अपन को सेम काम करना है। क्या करना है? अपन को मीन डेविएशन निकालना है। किससे? मीडियन से। ठीक है, तो मीडियन सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना होगा, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना होगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे तो ये जाएगा 34, ठीक है, 38, 43, 44, 47, 48, 53, 55, 63 एंड 70। तो इसको अपन प्लेस कर लेते हैं सही ऑर्डर में। ओके, अब क्या करेंगे, अपन डेविएशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो मीडियन क्या होगा इसका, मीडियन हो जाएगा, हाँ मीडियन हो जाएगा 47 + 48 अपॉन 2, क्योंकि एन कितना है इसमें, एक इवन नंबर है 10। ठीक है, अगर ऑड होता तो सीधा अपन को डायरेक्ट क्या मिल जाता, मीडियन मिल जाता, लेकिन क्योंकि एन इवन है तो इसमें दो मीडियम होंगे। ठीक है, तो इसका अपन क्या करेंगे, मीन ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 47 + 48/2 विच इज फर्दर इक्वल टू 47.5। अब अपन डेविएशन टेबल लिखेंगे, तो डेविएशन टेबल में इधर तो आता है एक्स आई, इधर आता है डेविएशन। ठीक है, और डेविएशन क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन माइनस मीडियन विच इज फर्दर इक्वल टू 47.5 का मॉड। ओके, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है अपनी, 38, और 38 में से अगर हम अपन डेविएशन देखें तो 38 - 47.5 हो जाएगा विच इज फर्दर इक्वल टू 9.5। ऐसे ही अपन पूरी टेबल लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा 22.5, 48, 34, 63, 42, 55, 4, 53 और 47। अपन एक एक करके डेविएशन लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, इधर आ जाएगा 13.5, 15.5, 5.5, 7.5, 3.5, 5.5 एंड 0.5। अब अपन क्या करेंगे, समीशन लिखेंगे डेविएशन का। ठीक है, समीशन ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ डेविएशन डी आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू n। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 84। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 10। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन n इंटू समीशन ऑफ डी आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू n। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू 84 विच इज फर्दर इक्वल टू 8.4। अपना डेविएशन क्या आ गया, 8.4, एंड दिस आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।